औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स का हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को जो बुक है वो ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। शाम सीरीज़ की एक बुक है और उसका सेकेंड एडिशन है। ये बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेंड की हुई है। अब इस पे देखते हैं कि किस तरह से हमने ना सोल्यूशन जो है, अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स का, उसके कैसे सोल्यूशन जो है हम लोग वो बनाएंगे। अब इस पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि हमने किस तरह से मैथमेटिक्स का सोल्यूशन जो है वो अपने बनाने हैं। मैंने देखे एक डेस्कटॉप पे इसकी एक फाइल बना लेनी है। मैंने न्यू फाइल इसकी ओपन की है। अब इस फाइल के अंदर मैं देखें वॉलफ्राम मैथमेटिका के नोटबुक जो है ना न्यू ओपन करता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ लेक्चर नंबर 1 के नाम से। मैंने इसको डबल क्लिक किया और मैंने इसको ओपन कर दिया। मेरे पास एक टैब जो है ना वो मैथमेटिका की है, वो जो ओपन हो गया। अब इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले फाइल है, इसमें आप सेव कर सकते हैं। किस तरह से आपने उसको सेव एज करना है, इस पर एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट फॉर्मेट सेल ग्राफिक। अब इस पे जो एक मेन चीज़ है वो आपके पास ये पैलेट्स हैं। पैलेट्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको बेसिक मैथ असिस्टेंट्स मिलेंगे कि आप क्या करेंगे कि अगर आपको कोई लेट्स सपोज आपको इक्वेशन लिखनी पड़ जाती है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में या साइन अल्फा बीटा गामा, मैथमेटिकल नोटेशन सारी की सारी आपको यहाँ से मिलेंगी। इस पर आपने डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको मैथ असिस्टेंट जो है ना वो आपको इसकी मिल जाती हैं। अब देखें लेट्स सपोज आपको चाहिए अल्फा बीटा गामा या पावर के फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, उसका सुपर स्क्रिप्ट जो है ना इस फॉर्म में, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। ये इस नोटेशन पे चेक करें तो मैंने ये अल्फा बीटा मैथमेटिकल नोटेशंस आपको मिल जानी है। अब मैं चलता हूँ उस बुक के ऊपर, बुक जो मैंने अभी आपको ये बताई है। अब इस बुक में अगर आप देखें हमने करना क्या है, इस पे हमने इस बुक से हम लोगों ने सोल्यूशन किस तरह के फाइंड आउट करने हैं। देखें अब एक तो हमने ये देखना है कि मैथमेटिकल सोल्यूशन जो हैं, अगर आपको प्रॉब्लम अगर कोई आपको मिल जाता है और कहा जाता है इसको आपने इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक का या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो किस तरह से आप लोगों ने इसका सोल्यूशन जो है वो बनाना है। अब लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि 81 का अगर स्क्वायर रूट इस पे आपको एक जगह पे दिया हुआ है, कहा गया कि आपने इसको 81 का स्क्वायर रूट जो है वो आपने ओपन करना है। 81 का स्क्वायर रूट आप मैथमेटिका पे किस तरह से ओपन करेंगे, देखें आपने यहाँ पे लिखना है एस कैपिटल क्यू आर टी और ये स्क्वायर ब्रैकेट 81 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जब आपने इसका सोल्यूशन बनाना है किस तरह से, ये तो इनपुट हो गया, आउटपुट इसकी कैसे आएगी, जहाँ पे कर्सर मौजूद है आपने शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस कर देना है। देखें उसने आपको सोल्यूशन जो है वो 9 इसका सोल्यूशन दे दिया है। अब मैं स्मॉल ऐसा कर लिखता हूँ देखें, और इसका रिजल्ट बनाने की ट्राई करता हूँ। देखें इसने हमें रिजल्ट क्या दिया है, दोबारा उसने हमें वही रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट दोबारा उसने हमें वही वाला क्यों दिया, क्योंकि इस पे एक गलती हमने जानबूझ के रखी थी। अब उसने उस गलती को जो है ना वो सोल्यूशन उसका उसने हमें बना के नहीं दिया। अब इसको हम किस तरह से देखें, हम इसको चलाते हैं। अब इस बुक पे ये वाला अगर आप पेज देखते हो, इस पेज पे उसने हमें क्या दिया हुआ है, वो कहता है कि अगर 2 + 3 को आप ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। ये बेसिकली ये वाले टैब ओपन है, ऐसे समझ लें। यहाँ पे 2, ये +3, शिफ्ट इंटर प्रेस किया, ये आंसर आपको ये इसका 5 मिल गया। यहाँ पे तो उसने आपसे ये कहा हुआ था। अब उसने हमें ये कहा हुआ है कि आपने 2 मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ऐड करना है 5, उसका रिजल्ट कैसे आएगा। हम उसी टाइप पे चले, टाइप उसकी दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई कर, ये स्टेरिक का साइन यूज करेंगे 3, फिर ये +5, ये +5 और शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं, ये रिजल्ट उसने हमें 11 इसका हमें निकाल के दे दिया है। अब इसी तरह से अगर आपको कुछ कुछ भी डाटा दिया जाता है, ये देखें इस एग्जांपल में उसने हमें डाटा क्या दिया, यहाँ पे डाटा ये है कि ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2 है और सी इज इक्वल टू 3 है। रिजल्ट हमें फाइंड करना है। रिजल्ट इसका कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले आपने ए इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपने कॉलन लगा के इसको क्लोज कर देना है, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। अब ये वाले टाइप है, अब ए इज इक्वल टू 1 और कॉलन लगा के इसको सेव कर दिया, फिर बी इज इक्वल टू 2, फिर कॉलन लगा के हमने इसको सेव कर दिया, फिर सी इज इक्वल टू 3, फिर कॉलन लगा के हमने इसको सेव कर दिया। अब देखें अब हमने इसका बनाना है रिजल्ट। रिजल्ट इसका किस तरह से बनेगा, देखें ए प्लस बी प्लस सी, शिफ्ट इंटर प्रेस करोगे, देखें रिजल्ट क्या आता है, ए प्लस
प्लस बी प्लस सी, शिफ्ट इंटर प्रेस करो तो ये रिजल्ट हमें उसने हमें ये निकाल के दे दिया। इस एग्जांपल में तो उसने हमें ये वाला रिजल्ट उसने बताया हुआ था। अब इस एग्जांपल में अगर आप चेक करें तो क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना है 12 बाय 17 देन ऐड 9। ये 12 स्टेरिक का साइन यूज कर देना है, उसी तरह से फिर आपने उसको शिफ्ट प्लस इंटर कर देना है, तो आपको ये उसने रिजल्ट बना के दे देना। ये तो क्वेश्चन जितने भी हैं उसने इसी तरह से ये बना के दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हमने करना है, इस तरह से एवेल्युएट करना है सम को एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फिर 2x प्लस 5 और तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमने उसको उसके सम के फॉर्म में लिखना है। ये देखें, ये रिजल्ट हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना इसी को आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे लिख देना है टैब के ऊपर। और आप चाह रहे हो कि आपको सबसे पहले बड़ी वैल्यू आपको चाहिए एक्स की पावर 3 में एक्स स्क्वायर प्लस, तो कम होते हुए इसकी देखे पावर कम होती जा रही है, तो उसके लिए आपको ये बाहर ट्रेडिशनल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल के लिए स्पेस आपने उसमें कोई नहीं देना, टी उसका कैपिटल है और फॉर्म का एफ भी कैपिटल है। अब एक एग्जांपल ऐसे ही है कि कंप्यूट करना है हमने 81 को, 81 जो अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से कंप्यूट करते हैं, स्क्वायर रूट लिखते होते हैं, एस इसका हम क्या करते होते हैं कैपिटल लिख देते होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि साइन पाई ओवर 2, अब ये साइन पाई ओवर 2 किस तरह से लिखेंगे, ये साइन एस कैपिटल आए उसके बाद एन, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी, फिर पी आई पाई डिवाइडिंग के लिए आपने ये साइन यूज किया और फिर ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आया, साइन पाई ओवर टू साइन 90 का आंसर 1 होता है, तो हमें आंसर जो है यहाँ पे 1 हमें मिल गया। अब पाई का अगर लेट्स सपोज साइन आप क्या इस्तेमाल कर देते हो, इसका रिजल्ट देखें क्या आता है, पाई ओवर टू, तो इसका रिजल्ट देखें हमें उसने कोई भी इसका रिजल्ट नहीं दिया। तो ये बात जरा ध्यान कीजिएगा कि पाई का पी कैपिटल और साइन का एस जो है वो हमेशा कैपिटल हम लोग लिखेंगे। तो ये एग्जांपल वही जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट की फॉर्म में ये 12 का स्क्वायर रूट जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 बाय 3 प्लस 3 बाय 5 माइनस 5 ओवर 5 ओवर 7 प्लस 2 ओवर 11, इसको हमने कैसे लिखना है अभी मैं इसको बता चुका हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे चेक करें 2 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस 18 स्क्वायर रूट, जस्ट एस क्यू आर टी 2 लिख देंगे प्लस एस क्यू आर टी 8 लिख देंगे, एस क्यू आर टी 11 लिख के आपने ये वाली सारी फॉर्म जो इस टैब पे आप लोगों ने राइट कर देनी है यहाँ पे, और फिर आप लोगों ने क्या करना शिफ्ट इंटर प्रेस कर देना है, तो हमें जो है ना हमारा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। अब देखें उसके बाद हम ये सारी एग्जांपल जितनी भी हैं ये उसकी बेसिक उसी तरह से आई जा रही है जैसे हमने पहले एग्जांपल की है। इस एग्जांपल में देखें क्या है, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 सी का रिजल्ट निकालना है। अब ए इक्वल टू 2 कॉलन लगा दोगे, बी इक्वल टू 3 कॉलन लगा दोगे, ए प्लस बी करके शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आपको सी का जो है वो आंसर मिल जाएगा। अब ये एग्जाम्पल हमें क्या बताती है, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी अभी हम लोगों ने इसका सोल्यूशन भी बनाया है। तो ये अभी जितने भी आप इस पेज पे ये आपको वैल्यूज जो है वो मिल रही हैं, तो ये इसको हम लोग इजीली जो है वो लिख सकते हैं। ये 1/5 2 1 प्लस 1/3 माइनस 1/5 इसका सोल्यूशन भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर एक और बात आ गई, अब हमने पाई की जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है, तो पाई ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। देखें पाई को अगर आप ब्रैकेट में लिखते हो, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग पाई और ये, और बाहर इसके हम लोग लिख देते हैं कैपिटल ऑफ एन, रिजल्ट क्या आता है 3.14 एंड 159, ये इसका मुकम्मल जो इसका रिजल्ट है वो हमें मिल गया, ये वाला रिजल्ट जो हमें मिल गया ये वाला। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये रिजल्ट इसके ऐसे ही आता है 14159 अप टू सो ऑन, ये रिजल्ट कैरी आगे की तरफ चलता है। अब यहाँ पर जो है कॉमा लगाकर अगर आप इसको फिक्स कर देते हो, देखिए यहाँ पर पाई मैथमेटिकल लिखा हुआ है, मैथमेटिकल पाई हमें कहाँ से मिलेगा, इधर से मिलेगा, बेसिक मैथ असिस्टेंट से हमें ये पाई मिलेगा। यहाँ से आप इसको पाई की वैल्यू ढूंढ सकते हो, ये वाला पाई रहा तो ये भी डायरेक्ट हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। अगर कैपिटल पी ऑफ आई लिख देंगे फिर भी बात सही है। अब बात वही है, अगर मैं वही वाली बात लिखता हूँ कैपिटल ऑफ एन और मैं लिख देता हूँ कैपिटल पी ऑफ आई और कॉमा लगा के मैं इसको 100 लिख देता हूँ कि 100 टाइम तक इसका वो रिजल्ट हमें निकाल के दे। तो अगर आप लोग फ्रैक्शन इसके इशारिया के बाद देखते हो तो 100 टाइम्स नंबर जो है ना ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पर उसने अभी फिलहाल यही वाली बात की है,
अब ये वाली बात जो है कुछ इस तरह से है कि स्क्वायर रूट पाई है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पाई, इसका फिर स्क्वायर रूट है, फिर ये इसके स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट हम लोगों ने किस तरह से लिखने हैं। देखें सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट लिख दिया, देखें इसका स्क्वायर रूट, फिर ये वाला पाई आ गया, फिर ये स्क्वायर रूट इसका, फिर पाई आ गया, फिर इसका स्क्वायर रूट, इस सबके बाहर फिर स्क्वायर रूट है। तो आपको रिजल्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा जब आप लोगों ने इसको टाइप पे जो है इसको ओपन करना है। ये तो बेसिक सिंपल सी, इसको ऐसे समझ लिया था कैलकुलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये वाली एग्जाम्पल भी आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ये पहले चैप्टर में बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि ये सॉल्व प्रॉब्लम है तो इस पे हमें कोई ज्यादा आप लोगों को इशू नहीं होना। बेसिक एक्चुअली ये है कि ये इस टाइप पे हम लोग लिखते किस तरह से, मल्टीप्लीकेशन का साइन किस तरह से लेके आते होते हैं, या आप लोग क्या करते होते हो, एडिशन का साइन किस तरह से लिखते होते हैं, माइनस का किस तरह से। अब ये इस वाले टाइप में उसने डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, अब यहाँ पे कुछ डाटा, ये सर्च का डाटा है, ये सर्च आपको कहाँ से मिलेगा, मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल एक वीडियो बनाएंगे इसकी हेल्प के ऊपर। अगर इसकी हेल्प पे आप जाते हो वाल फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप लोग जाते हो तो इसको देखें, यहाँ पे सर्च का आपको ऑप्शन मिल रहा है। इस सर्च में आप जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन, ये देखिए मैंने जस्ट इंटीग्रेशन लेके एंटर किया, इंटीग्रेशन से रिलेटेड इसमें जितना भी डाटा है, सेव डाटा है इसके अंदर बिल्ट इन है, वो सारा निकला है। अब आप इस पे क्लिक कर दो, अब ये देखिए ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी डाटा आपको मिलने लग गया। अब देखिए इंटीग्रेशन को आप कैसे लिखते होते हैं, आई कैपिटल लिख के इंटीग्रेट मुकम्मल लिख देंगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स की पावर एन को हमने देखा, अगर इंटीग्रेट करना, ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, ये मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये एक्स की पावर एन डी एक्स इंटीग्रेट करना, तो इसको किस तरह से मैथमेटिका के टाइप पे लिखेंगे, उसके लिए जरूरी है कि इंटीग्रेट लिखें, आई कैपिटल लिखें और साथ में एक्स की पावर एन लिख देते हो, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा लगाने के बाद इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यही वाला यहाँ से डाटा कॉपी करता हूँ, चले मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जो मेरे पास इसकी टैब ओपन है मैं इस टैब के ऊपर ले जाता हूँ, और ये देखेंगे हमें रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड उसने कर दिया। तो ये वाली फाइल जो ओपन हुई है इस पे उसने हमें यही बताना है कि किस तरह से हम कोई चीज़ अगर सर्च करनी हो तो हम वो सर्च कर सकते हैं। ये सिंपल सा अभी हम लोगों ने काम इसका स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग उसमें लेक्चर अपना देंगे उसमें ये किस तरह से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले आएंगे, या ये डी सॉल्व क्या होता है, मतलब डिफरेंशियल सॉल्व के ऊपर जाएंगे, या न्यूमेरिकल डिफरेंशियल सॉल्व के ऊपर जाएंगे। तो ये इसमें कुछ पैकेजेस भी इसके अंदर सेव होते हैं ऑलरेडी, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े से इसमें एडवांस काम की तरफ जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।